हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप कोई भी गाड़ी ड्राइव करते हो, चाहे कार छोटी हो या कार बड़ी हो, हर गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको वार्निंग लाइट्स देखने को मिलते हैं। तो भाई ये जो वार्निंग लाइट्स मैं बताने वाला हूँ, जो हर गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई अगर आप अपनी गाड़ी को हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, इस सनशाइन आपको अपनी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी वार्निंग लाइट्स देखने को मिलता है और आप उसको इग्नोर करके गाड़ी चलाते जाते हो कंटिन्यू, तो भाई हो सकता है कि आपकी गाड़ी के इंजन में टोटली डैमेज हो जाए, गाड़ी का इंजन जो है सीज भी हो सकता है। तो भाई इस सनशाइन पे आपको गाड़ी के वार्निंग लाइट्स के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको नहीं जानोगे और आप जो इग्नोर करते हुए भी अगर आपकी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट वार्निंग लाइट्स आ रहे हैं और आप उसको जो इग्नोर करके गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो भाई हो सकता है कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज भी हो जाए या फिर हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा मोटा खर्चा करना पड़े इंजन में। भाई इस वीडियो में आपको कंप्लीट वार्निंग लाइट्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन सा वार्निंग लाइट कब आता है और अगर कोई भी वार्निंग लाइट्स आ रहा है तो भाई आप उसको जो कैसे हटा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, एक एक चीज जो है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। तो भाई गाड़ी में आपको दो कलर के वार्निंग लाइट्स देखने को मिलते हैं। तो भाई पहले देख सकते हो, ये जो है येलो है और दूसरा जो है रेड है। तो भाई जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, येलो मतलब कि आपको रेडी होना है और रेड का मतलब रुक जाना है। तो भाई इसका मतलब भी वही होता है सेम। अगर आपको अपनी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको अगर येलो कलर का जो है वार्निंग लाइट दिख रहा है, तो भाई इसका मतलब ये है कि आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो, आपकी गाड़ी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उसी टाइम पे अगर आपको कोई रेड कलर का भी वार्निंग लाइट दिख रहा है, जैसे देख सकते हो रेड कलर का जो वार्निंग लाइट आ रहा है ना, अगर कुछ आपको ऐसा कलर का वार्निंग लाइट देखने को मिलता है आपकी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो भाई आपको तुरंत अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ करके साइड में लगा देना है और भाई आपको तुरंत मैकेनिक को फोन करके बुला लेना कि भाई गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और तुरंत चेक करवा लेना है। अब बता दो कि भाई कौन सा वार्निंग लाइट किस काम के आते हैं और कौन सा वार्निंग लाइट में जो है क्या डैमेज कर सकता है आपकी गाड़ी के इंजन में। तो चलो एक बार मैं फिर से चाबी को ऑन ऑफ करता हूं और आपको जो दिखाऊंगा कि भाई कौन सा लाइट जो है किस काम के लिए आता है। देखो जैसे मैं चाबी ऑन के भाई देख सकते हैं, आपको जो है एक बैटरी का लाइट दिख रहा है और एक जो है ऑयल प्रेशर का लाइट दिख रहा है और तीसरा जो यहां पे आता है, मैं फिर से आपको दिखाता हूं। और आप जो ये देख रहे हो ना भाई, ये जो गाड़ी का इंजन ओवरहीटिंग का लाइट है। भाई अगर आपको ये तीनों लाइट में से कोई भी लाइट अगर आपको गाड़ी चलती कंडीशन में दिख रहा है, अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो उस कंडीशन पे आपको जो तीनों में से कोई एक भी लाइट नजर आ रहा है, तो भाई इसका मतलब ये है कि आपको अपनी गाड़ी का इंजन तुरंत ऑफ करके कुछ समय के लिए रख देना है। अब मैं बताता हूँ कि भाई कौन सा लाइट किस काम के लिए आता है। तो भाई एक बार फिर से वो जो ऑफ करते हैं ऑन करते हैं। भाई आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ऑयल प्रेशर का लाइट, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो इस कंडीशन में ऑयल प्रेशर का लाइट आ रहा है, तो भाई इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी के इंजन के ऑयल वगैरह जो सर्कुलेट होता है ना उसमें प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है भाई, अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल लेवल कम हो जाता है ना, इस कंडीशन पे भी आपको ये ऑयल प्रेशर वाला लाइट देखने को मिलता है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये लाइट देखने को मिल रहा है गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हो इस कंडीशन पे, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस गाड़ी का इंजन ऑफ करना है और तुरंत बाहर जाकर गाड़ी का ऑयल गेज निकाल के चेक करना कि आपकी गाड़ी का ऑयल लेवल प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि भाई ये जो लाइट आता है ना गाड़ी का इंजन ऑयल कम होने के बाद ही आता है। अगर आप जो और कंटिन्यू ड्राइव करते रहोगे ना इस लाइट को इग्नोर करते हुए, तो भाई गाड़ी का इंजन जो है सीज हो जाएगा। अब वो सीज कैसे होगा भाई, गाड़ी का ऑयल जैसे ही खत्म होगा पूरा जो इंजन सीज होकर इंजन का टोटली जो है डेड हो जाएगा। तो भाई ये होता है ऑयल प्रेशर लाइट का काम। तब वो कुछ नहीं करना है, एक बार गाड़ी के बाहर उतरना है, गाड़ी का इंजन ऑफ करके बाहर उतरना है, ऑयल गेज निकाल के बाद चेक कर लेना कि भाई गाड़ी में प्रॉपर इंजन ऑयल है या नहीं है। उसके बाद बगल में आप जो आप देख रहे थे वो बैटरी का लाइट था, एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको, बंद करके वापस चालू करता हूँ। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो बैटरी का लाइट देखने को मिलेगा। अगर आपको चलती गाड़ी में बैटरी का लाइट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी गाड़ी का जो चार्जिंग सिस्टम है ना आपका जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अगर भाई आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा इस कंडीशन में क्या होगा, अभी गाड़ी का बैटरी चार्ज नहीं होगा। और आपको सभी को पता है अगर गाड़ी का बैटरी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो भाई गाड़ी कुछ दूर चल के बंद हो जाएगी। अब वो कैसे बंद होगी, चलो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई क्या होता है, गाड़ी में जितने भी सिस्टम चल रहे होते हैं, जैसे मान लो गाड़ी का जो मीटर चल रहा है, ये अपना म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, एसी वगैरह चल रहा है, भाई टोटली जो है ये बैटरी से वर्क करता है। अगर आपकी गाड़ी का बैटरी चार्ज नहीं होगा इस टेंशन पे क्या होगा, जब तक गाड़ी के बैटरी में चार्ज होगा ना गाड़ी चलते जाएगा और जैसे ही गाड़ी का बैटरी लो होगा भाई गाड़ी जो है बंद हो जाएगा और दोबारा जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो भाई गाड़ी को क्या होता है, हमेशा कंटिन्यू चलने के लिए एक तरफ से बैटरी को चार्ज, बैटरी जो अल्टरनेटर से चार्ज होते रहता है और दूसरा जो है बैटरी यहाँ पे अपना पावर देते रहता है गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, कार के सेंसर को। तो भाई अगर आपको गाड़ी चलती कंडीशन पे अगर आपको जो है वही बैटरी का लाइट दिखता है, तो भाई इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी के चार्जिंग सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आपको जो है जल्दी से जल्दी इसको जो है नियरेस्ट मैकेनिक शॉप के पास ले जाना है। अगर आप इसको नहीं ले जाओगे तो भाई आपकी गाड़ी जो है दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी का बैटरी जो है टोटली ड्रेन हो चुका होगा। अब जो फाइनल लाइट बचा वो भाई गाड़ी का तीसरा लाइट है, चलो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। भाई एक बार वापस बंद करता हूँ और वापस ऑन करता हूँ। भाई देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है एक ओवरहीट का लाइट दिख रहा है। अगर भाई आपको इस टाइप का कोई भी लाइट दिखता है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, वो है भाई इंजन ओवरहीट का लाइट। ये लाइट तब आता है जब आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो चुका हो। अब भाई गाड़ी का इंजन ओवरहीट क्यों होता है, किस वजह से होता है, चलो मैं बताता हूँ। भाई क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी का कूलेंट का लेवल कम है तो भाई इस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो जाए। क्योंकि भाई गाड़ी को आप कंटिन्यू कितने भी किलोमीटर चला लो, गाड़ी का इंजन अगर प्रॉपर है तो भाई इस कंडीशन में गाड़ी का इंजन प्रॉपर कूलेंट डाला हुआ है, तो भाई गाड़ी का इंजन ओवरहीट नहीं होगा, चाहे आप कितने भी किलोमीटर से उसको कंटिन्यू ही क्यों ना चला लो। तो भाई अगर आपको इस टाइप का ओवरहीट वाला लाइट दिखता है, तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी का कूलेंट बॉटल ओपन करना है और उसमें चेक करने की कूलेंट है या नहीं है। लेकिन भाई अगर आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो और आपको जो ये लाइट देखने को मिलता है, तो भाई गाड़ी को साइड में लगाना है, गाड़ी को 1 से 2 घंटे ठंडे होने देना है। अगर आप जो है गर्म कंडीशन में कूलेंट की बॉटल खोल दोगे तो भाई हो सकता है कि आपकी गाड़ी का जो कूलेंट है ना सीधा जो आपके मुंह पे मार दे और आपको जो हाथ पर आपका जल सकता है। तो भाई
आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपकी गाड़ी में ये ओवरहीट वाला लाइट आता है तो आपको गाड़ी साइड में लगाना है, एक दो घंटे वेट करना है, उसके बाद ही गाड़ी का कूलेंट बॉटल जो है ओपन करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कूलेंट कम हो चुका है, तो आप उसमें जो है कूलेंट की जगह पानी भी यूज करते हो कर सकते हो, अगर आपको जो है उस समय पे आपको अगर कूलेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन भाई एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपको जो है तुरंत उस बॉटल को नहीं खोलना है, गाड़ी का इंजन ठंडा होने के बाद ही खोलना है। अगर आप उसको गर्म में खोल दोगे भाई हो सकता है कि आपका जो मुंह वगैरह जो है जल जाता है। इसमें आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, भाई गाड़ी में जो मेन जो लाइट्स होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट का वायरिंग लाइट्स, वही होता है सबसे पहले होता है ऑयल प्रेशर लाइट, दूसरा जो होता है अपना बैटरी वाला लाइट, और तीसरा जो होता है गाड़ी का इंजन ओवरहीट लाइट, और चौथा जो आपको नजर आ रहा है भाई ये देख सकते हो, ये जो गाड़ी का पार्किंग ब्रेक वाला लाइट है, हैंड ब्रेक जैसे नीचे करूंगा ये बंद हो जाएगा देख सकते हो। तो भाई इसमें उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको अपनी गाड़ी पे येलो कलर का वार्निंग लाइट देखने को मिल रहा है जैसे कि चेक इंजन लाइट होगा या फिर ये सब हो गया, तो भाई आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जितना दूर चाहो उतना दूर जो है ड्राइव कर सकते हो। और एक बार आपको बस अपनी गाड़ी को स्कैन कराना पड़ेगा और आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा अगर आपकी गाड़ी में येलो लाइट्स देखने को मिलता है। तो भाई आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। थैंक यू।